हेलो हेलो हाँ बताओ आपको आगे बात मत करो लेके चले जाते थे 5 साल दिखते नहीं होंगे वहां।
तो ये आपका भी सोचना बनता है। अरे नहीं, एलिस लग रहा पीछे ही खाली आ गया। हां, आपको भी सोचना बनता है कि वोट किसको देना चाहिए। 5 साल के लिए आप किसी को चुनते हैं अपना प्रतिनिधि, या चुनने के लिए वोट देते हैं फिर वो आपको दर्शन नहीं देता या आपके दर्शन नहीं करता। ऐसा व्यक्ति चाहिए या जो लखनऊ में भी बैठा आपकी चिंता करता है, दिल्ली में भी बैठा आपकी चिंता करता है। ऐसा मेरा नेता मोदी अंतिम छोर पर जो गरीब बैठा है उसकी भी चिंता उसके दिमाग में है। इसीलिए उसने क्या माता है पहले बैठी है, मुफ्त अन्न की व्यवस्था, इससे पहले किसी ने चिंता किया? मैं माता और बहनों से कहना चाहता हूँ कि इससे पहले पहले किसी सरकार ने या किसी नेता ने आपके चौके की चूल्हे की चिंता की? मेरे नेता मोदी योगी ने की। आप जो जिन महिलाओं में शौचालय नहीं थे उनको जिनके घर में शौचालय नहीं थे उनके यहाँ शौचालय की व्यवस्था हुई। आप सोचिए, जब कल्पना कीजिए, पानी गंगा का गंदा पानी पीना पड़ता था आपको, आज गंगा जल आ गया है आगरा में, कौन लेकर आएगा? अभी गुरुवाणी जी कह रहे थे कि जनता मुझे प्यार से भागीरथ कह रही। मैंने आप लोगों की चिंता की कि आगरा के लोगों को अच्छा पानी चाहिए, आज पानी इससे बेहतर पानी है, गंगा बिस्तर इससे बेहतर है। ये लैब्स का फ्री है कि गंगा जल इससे बेहतर है। जिस गंगा जल को लेने के लिए जाया करते थे, एक बोतल में लाकर अपना पूजा में रखा करते थे, आज आपके घर का जल खुलता है, गंगा जल निकलता है, हर हर गंगे करके आप लोग नहाते हैं। किसने किया? हमारी सरकार ने किया, मैंने अपने प्रयासों से किया, इसीलिए आगरा की जनता मुझे भगीरथ भी कहती है। मैं तो कहता हूँ भगवान करता है करता है, तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, लेकिन प्रयास से किया हमारे कार्यकर्ताओं ने। तो जो काम करता है अगर उसको परिणाम न मिले तो उसे भी दुख होता है। तो यह हीरा रहे जब हमसे हीरा ने कम से कम 4-5 जगह समर्सिबल लगवाए थे, मुझसे कहते कुछ नहीं था ये, तब मेरे पास आता था जनता की आवाज लेकर, जनता की तकलीफ लेकर और मुझसे कहता था ये काम है, ये काम है, ये काम है, इस सड़क का निर्माण की वापस रखे। अभी मैं जब घूम रहा था तो कई लोगों ने कहा कि ये रह गई है, ये रह गई है, ये रह गई है, गिलास पूरा खाली खाली आधा भर गया। तो हम सबको पहले सोचना चाहिए कि आधा भर गया है, आधा और भर जाएगा, शुरुआत हुई है। इतना बड़ा टुकड़ा जो खराब था बना है, जिसपे सब लोग निकलते हैं, बराबर वाली गली के लोग भी इससे होकर गुजरते होंगे, तो अपने कहां पहुंचते होंगे, वो गलियां भी लगेंगी। लेकिन हम राजनीतिक व्यक्ति से राजनीति की बात भी करेंगे, जो काम करे उसको वोट देने का अधिकार लेने का अधिकार। हम तो कहते हैं खुले कि ना नारे को ना नाम को वोट हमारे पास, और जब जनता काम को वोट देना सीखेगी तो जनता का जो भी प्रतिनिधि जाएगा काम करेगा, और जब प्रतिनिधि ये देखेगा हम काम कर रहे हैं। आगे चढ़ना भैया, अरे अब आगे चढ़ना भैया, वही वही साथ में आओ तुम मेरे। Thank you.
अबलू चाहर जी सम्मानित मंच उपस्थित बंधु, नेता दो तरह के होते हैं, एक वोट मांगा और खिसक लिया और फिर कुर्सी से चपक गया। एक गाना सुनाया पुराने लोगों ने सुना होगा, वोट लिया और खिसक गया फिर कुर्सी से चपक गया, उसके बाद एक तारा बोले तुम 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 और एक होते हैं जो जनता की चिंता करते हैं, जनता के बीच आते हैं। पहले मैं ज्यादा आया करता था आप लोगों के, क्योंकि आपने मुझे विधायक बनाया, अब आपकी दुआओं से मंत्री बन गया हूं। पूरा उत्तर प्रदेश यानी अभी एक क्षेत्र था, अब ऐसे 403 गुना बड़ा क्षेत्र हो गया है आप लोगों की दुआएं। सब जगह जाना पड़ेगा तो समय थोड़ा आप लोगों से चुराऊंगा, तभी दूसरों को दे पाऊंगा, लेकिन चिंता रखता हूं अपने क्षेत्र अपने आप माध्यम से, अपने मंच पर बैठे हुए अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, यहाँ के ताराचंद जी है इनके माध्यम से, ये लोग जब समस्याएं बताते हैं तो उनका निराकरण भी करते हैं और होना भी ये चाहिए कि जब आपने जिनको चुना है वो आपकी चिंता रखे, समस्याओं का निराकरण करें। हमारे सब नेता एक कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं, चाहे मोदी हो या हमारे पार्षद। मोदी जी भी चिंता करते हैं गरीबों की, इससे पहले किसी सरकार ने चिंता की कि गरीबों के यहाँ पर राशन फ्री पहुंचे, किसी ने की थी क्या? सिर्फ मोदी ने, योगी ने की, यानी घर के चूल्हे की चिंता। खासतौर से माताओं बहनों से कहना चाहता हूं कि उनके चूल्हे की चिंता यदि किसी ने की तो वो मोदी और योगी थे।
और आप लोगों का भार कम हुआ जो जहाँ पे पुरुष खड़े हैं कि यदि बाहर जाके खरीद के लाते थे तो जेब हल्की हो जाती, बीमार हो जाए कोई व्यक्ति गरीब इलाज नहीं करा पाते, चिंता किसने की? आयुष्मान कार्ड बना है, आगे बनते जा रहे हैं, कुछ लोगों के बने हैं, कुछ लोगों के बन रहे हैं। देखिए मेरी जेब में अगर 100 रुपए है, प्रदेश में तो काम आते ही मेजर साहब MLA साहब आगरा अभी कोई प्रोग्राम नहीं है, फिलहाल मैं संभाली सोचता हूँ 2 दिन के बाद आगरा ही मैं बात करा दूँगा। पुरुषोत्तम जी फोन इसलिए कर रहे हैं, कल रात को जब मैं माननीय मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम। हेलो क्रांति करंट पास होता है और सबर कार्य करते ने में करंट आया तो आनंद ले जाए यूपी वाले जाए गजानन महाराज की जय। बाके बिहारी लाल की जय। कोई बच्ची है, बच्ची छोटी सी ये सब बच्ची बैठी है। हासिल कर ली है वो उपलब्धियाँ नहीं, जनता की सेवा की है वो, जनता की सेवा अगर उपलब्धियों को मैं गिनाऊँ तो घंटों बीत जाएंगे, उपलब्धियाँ कम नहीं पड़ेगी। प्रभु को उपलब्धियाँ आप देखते हैं, उनको भागीरथी के नाम से पुकारा जाता है। आगरा में बहुत बड़ी योजना गंगा जल की, जो पानी की पेयजल समस्या थी उसका निस्तारण किया। आगरा में उन्होंने एम्स जैसा मिनी एम्स बना करके दिया है, जो आगरा के जनता ही नहीं आसपास के क्षेत्रों के जिलों की और शहरों की जनता भी उनके लाभान्वित होगी। उन्होंने और भी अनेकों ऐसे काम किए हैं जिनका गुणगान मैं करूँ तो वो बहुत मेरे लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। तो आज हम लोगों के बीच में उपस्थित और भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य और कार्यकर्ताओं की मैं हाथ जोड़ते उनको बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि वो यहाँ पर शुभ अवसर पर आए। यहाँ एक पार्क का सौंदर्यीकरण हो रहा है जो माननीय हमारे योग मंत्री जी गोविंद उपाध्याय जी के द्वारा कल कमरों द्वारा किया जाए और कुछ काम जनता को करने पर। आप नॉर्थ ईस्ट का कॉलोनी का पार्क देखें, कमला नगर के पार्क देखें, निर्माण सरकारी संस्थाओं ने किया है लेकिन जहां मेंटेन किया जनता ने वहां पार्क मेंटेन है, अदरवाइज झाड़ झंखाड़ हुए रहते। पर्यावरण के लिए भी आवश्यक है कि पार्क सुंदर हो, वहां पर वृक्ष हो, पौधे हो और ऐसे पौधे हो जो कि पर्यावरण में सुधारने में मदद करते और उनको विकास ऐसे हो कि मॉर्निंग वॉक भी कर सके। मॉर्निंग वॉक के लिए फुटपाथ भी बनता है, अगर उस बजट में होगा तो बनेगा, नहीं तो हम बनवा देंगे विधायक निधि से। तो विकास करना तो अपना काम है, आप लोगों ने हमको चुना है। पहले एक आपका ही क्षेत्र था मेरे लिए, अब 403 विधानसभा क्षेत्र, आपकी दुआओं से
नेतृत्व की कृपा से माननीय मोदी जी, योगी जी और जो हमारा वरिष्ठ नेतृत्व है, उन्होंने मुझे कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। और ख़ास तौर से तीन बड़े विभाग हैं, उच्च शिक्षा, आईटी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जिम्मेदारी बढ़ गई है तो भागदौड़ भी बढ़ गई है। आठ आठ दस दस घंटे कार पर बीतते हमारे बैठे, इतनी यात्रा करनी पड़ती है। कल भी शाम को मैं लगभग 8:30 बजे आगरा पहुंचा था और 9 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से फ़ोन आया कि 11 बजे आपको यहाँ पे रहना है, आगरा के सभी जनप्रतिनिधि बुलाए हैं। मैंने कहा भैया अभी तो आया हूँ, दोपहर में बता दे तो मैं आता ही कहेगा, और कल अगर आप बुला लेते तो मैं आज के कार्यक्रम नहीं रखता है जनता के बीच में जो रखते हैं। कल मैंने कहा 3-4 कार्यक्रम हैं, तो अब सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी को मना तो नहीं किया जा सकता था। मैंने कहा देखते हैं, कार्यक्रम टल जाएंगे तो मैं आ जाऊंगा, वरना मुश्किल है। तो मतलब इतनी व्यस्तताएं रहती हैं, अब वो समय कहाँ से चुराऊंगा मैं? आप ही लोगों से चुराऊंगा, आप ही लोगों के लिए आपके समय का चोर साबित होऊंगा कि नहीं होऊंगा मैं? और कहाँ से लाऊं? 403 जगह जाना, और बड़े बड़े विभाग, और ख़ासतौर से शिक्षा विभाग में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितने डिग्री कॉलेजेस हैं, उनके फंक्शन होते हैं, कन्वोकेशन। मित्रों, काम करके दिया है। अभी जैसा कह रहे थे मुकेश जी की आगरा में लोग इन्हें भागीरथ कहते हैं, मैं तक कहता हूँ कि करता है तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। लेकिन इसीलिए कहते हैं ना भागीरथ की, आगरा की जनता को पानी मिल गया जिसके लिए तरस रही। उसके बाद हर आदमी को अपने चिकित्सा की आवश्यकता होती है। कितनी आवश्यकता है चिकित्सा की, कि आप लोगों ने सुना होगा कि कोई आदमी, गरीब आदमी डॉक्टर से कह रहा है कि मेरी माँ को बचा लो चाहे मेरा घर घूरा बिक जाए, या मेरे बच्चे को बचा लो डॉक्टर साहब चाहे मेरा घर घूरा बिक जाए, इतनी ज़रूरत है। लेकिन एसएन मेडिकल कॉलेज की क्या दुर्दशा थी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जो 4 साल पहले एसएन मेडिकल कॉलेज देखकर आए हो और आज एसएन मेडिकल कॉलेज जाके देखे आमूल चूल पर। एसएन मेडिकल कॉलेज की दुर्दशा एक घटना से आपको समझ में आ जाएगी कैसी रही होगी और कैसी अब हो गई, कितना विकास हुआ है। कि जब मैं उसको देखने गया था 2017 में, जब आपने चुना कि मैं जो आगरा के चिकित्सा सुविधाएं देनी है यहाँ के लोगों को, जयपुर, चेन्नई, लखनऊ, दिल्ली, ये यहाँ ना भागना पड़े, यहाँ का इलाज यहीं पर हो, तो देखने गया कि क्या स्थिति है, कौन कौन से विभाग खुल सकते हैं, कहाँ खुल सकते हैं। तो वहाँ की छात्राएँ आई मेरे पास, हॉस्टलर्स, बोली सर हमारा हॉस्टल देखिए। तो मैंने उनसे कहा मैं हॉस्टल देखने नहीं आया हूँ, मैं ये देखने आया हूँ कौन सा विभाग काम। अरे एक बार हॉस्टल तो देखिए। तो वहाँ की प्रिंसिपल थी डॉक्टर सरोज सिंह, अभी भी मौजूद हैं, आप पूछ सकते हैं। मैंने कहा मैडम क्या ये हॉस्टल ले जाना चाहती हैं बच्चियाँ सब? तो बोले अरे छोड़िए सर, आप और काम देखिए। मैं समझ गया कि दाल में कुछ काला है, तो ज़रूर जाना चाहिए। मैंने कहा मैडम आप आगे चलिए, गर्ल्स हॉस्टल था इसलिए उनको आगे किया, फिर मैं पीछे चला। इससे ज़्यादा शर्मनाक स्थिति नहीं हो सकती किसी भी जगह की, कि गर्ल्स हॉस्टल में बाथरूमों में दरवाजे नहीं। इससे ही मालूम पड़ जाएगा आपको क्या दुर्दशा है। और कितना विकास हुआ कोरोना काल में, जब भी किसी कार्यकर्ता का या किसी मिलने जुलने वाले का कोई परिजन बीमार हुआ और उसे उन्होंने मुझे टेलीफोन किया कि साहब मुझको हमारे ऐसे ऐसे कोरोना हो गया है भर्ती करा दीजिए, तो मैं पूछता कहाँ भर्ती कराना है, कहाँ सिफारिश करूँ, तो पहली चॉइस एसएन मेडिकल कॉलेज। ये परिवर्तन है। और अब सुपर स्पेशलिटी विभाग खुल गया है, खुल रहे हैं वहाँ पर, आपने अखबारों में पढ़ा होगा। जो नेतृत्व आदेश देगा वो करेंगे, लेकिन यहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा है काम करने का, मज़ा आ रहा है। मित्रों, हमारे नेता मोदी जी काम करते हैं, आज पूरे विश्व में
दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है। मोदी जी का असर कितना बड़ा है एक उदाहरण से बताऊंगा मैं आपको। अभी योगी जी ने मंत्रियों को विदेशों में भेजा था वहां से इन्वेस्टर्स उत्तर प्रदेश में लाने के लिए कि उत्तर प्रदेश में आइए इन्वेस्ट करिए, यहाँ पर रोजगार मिलेगा, यहाँ पर उत्पादन बढ़ेगा। मुझे भी पेरिस और नीदरलैंड भेजा था। पेरिस गया था मैं। पेरिस जाने से पहले जब हमारे बड़े जीजाजी हैं इंदौर यूनिवर्सिटी से रिटायर हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे मैथमेटिक्स के, उन्होंने मुझे टेलीफोन करके कहा कहाँ जा रहे हो पेरिस। मैंने कहा जहाँ मुख्यमंत्री भेजेंगे वहाँ जाएंगे। बोले अरे वहाँ बड़े भारतवासियों को हिकारत से देखा जाता है। लगभग 15-20 साल पहले मैं गया था तो मुझे कहने में हिचक आती थी कहीं से कि मैं हिंदुस्तान से आया हूँ, आई एम इंडियन, ये हिचक आती थी। कोई और देश चले जाओ। मैंने कहा हमारी चॉइस नहीं है, योगी जी की चॉइस है। गए वहाँ इन्वेस्टर्स के साथ 2 दिन लगातार मीटिंग हुई पेरिस में। जब इन्वेस्टर्स से बात होती थी तो मुझे महसूस नहीं हुआ कि ये हमको हिकारत से देख रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा ये तो इन्वेस्ट करने आना चाहते हैं, व्यापारी हैं, हमारे आएंगे तो शायद हमसे ठीक से बोल रहे हैं। आम आदमी शायद हिंदुस्तानियों को ठीक से ना देखता हो क्योंकि जीजाजी भी यहाँ होके गए हैं। शाम को मैं परफ्यूम वहाँ का फेमस है स्प्रे वाला, अपने कुछ मित्रों के लिए मैंने कहा ले लूँ, जो कहेंगे पेरिस से हमारे लिए क्या लाए। तो एक दुकान पर पहुंचा, वहाँ की फेमस मार्केट, फेमस दुकान। देखिए पेरिस वालों का, फ्रांस वालों का, वो जब तक आपसे अंग्रेजी में नहीं बोलेंगे, जब तक उन्हें ये ना मालूम पड़ा कि आप फ्रेंच जानते ही नहीं, वरना फ्रेंच में बोलते हैं, ये उनका स्वाभिमान है। मैं घुसा दुकान के अंदर, सेल्स गर्ल्स थी, उन्होंने फ्रेंच में मुझसे कुछ कहा। मैंने कहा मैडम आई डोंट नो फ्रेंच। बोली फ्रॉम वेयर यू आर। मैंने कहा आई एम फ्रॉम इंडिया। ओ फ्रॉम मोदीज कंट्री, वेलकम वेलकम। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये दिया है मेरे नेता ने आम हिंदुस्तान।